सपा विधायक अभय सिंह ने उठाया शराबबंदी का मुद्दा। तो अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, इतना डेवलप स्टेट है, तब भी आपको धनाभाव आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। सरकार बोली नहीं बंद कर सकते शराब, तो विधायक ने दिया करारा जवाब। 6-7 किलोमीटर दूर है समिट बिल्डिंग है, हर बार में वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरा वहां पे सीसीटीवी फुटेज है, रोज वहां पर देखा जा सकता है कि कम से कम 50 लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से कम है जमीने पड़ी रहते हैं, नाली पड़ी रहते हैं। बाद में बच्चों को शराब पिलाकर संस्कृति की जा रही तार तार। भारतीय संस्कृति तार तार हो रही है, मर्यादाएं भंग हो रही है। बार वालों पर एक्शन ले सरकार, वरना छोड़ दे आदर्श समाज का विचार। क्या सरकार 20-21 साल से कम आयु के बच्चों को शराब देने वालों पर कानूनी कार्रवाई कराएगी? पूरे देश में शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा रही है। गुजरात और बिहार में शराबबंदी लागू भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो शराब का बोलबाला है, क्योंकि जितनी शराब पी जाती है उतना ही सरकार का खजाना भरता है। उत्तर प्रदेश में भी समय समय पर तमाम तरह के सामाजिक संगठन शराबबंदी की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार शराबबंदी को लेकर किसी सामाजिक संगठन ने नहीं बल्कि बाहुबली छवि वाले सपा विधायक अभय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह ने सदन में शराबबंदी के मुद्दे को उठाया तो सब हैरान रह गए। माननीय मंत्री ने बताया कि अगर शराब नहीं बेचेंगे तो धनाभाव हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप ही के अनुसार गुजरात एक डेवलप स्टेट है, बिहार में भी आप ही सरकार शराबबंदी हुई तो आपने सरकार शराब बंद कराई, तो अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, इतना डेवलप स्टेट है, तब भी आपको धनाभाव आ रहा है कि उत्तर प्रदेश शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। हालांकि पहले से शराबबंदी को लेकर सरकार का स्टैंड जान चुके सपा विधायक अभय सिंह ने कम उम्र के बच्चों को शराब बेचने और पिलाने वालों की पोल खोलते हुए सरकार से सख्त एक्शन की मांग कर दी है और राजधानी की चर्चित समिट बिल्डिंग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी हमने आप मंत्री जी की बात भी सुना कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पीने पे और बेचने पे रोक लगी हुई है। हम आपके बताना चाहते हैं, मैं अध्यक्ष अवगत कराना चाहते हैं, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी राजधानी में ही यहां से 6-7 किलोमीटर दूर है समिट बिल्डिंग है, हर बार में वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरा वहां पर सीसीटीवी फुटेज है, रोज वहां पर देखा जा सकता है कि कम से कम 50 लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से कम है जमीने पड़ी रहते हैं, नाली पड़ी रहते हैं। हम वहां की पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं, बेचारी कम से कम रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक उठा करके सबको सबके घर तक पहुंचाती है। ऐसी अनैतिक स्थितियां फैली हुई है सिर्फ शराब की वजह से। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस शराब की वजह से हमारा समाज खत्म हो रहा है, आप उसी बिल्डिंग जाकर देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति तार तार हो रही है, मर्यादाएं भंग हो रही हैं, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है जिसके बारे में टीवी बोल रहा है, अखबार बोल रहा है, लेकिन किसी आबकारी के अधिकारी को, किसी आबकारी विभाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है किस तरीके से बच्चों को शराब परोसी जा रही है और बेची जा रही है वहां पर। तो सुना आपने, सपा विधायक ने शराब पर वार करते हुए समाज के बिगड़ते माहौल, सामाजिक मर्यादा और बर्बाद हो रही संस्कृति की बात की, लेकिन जवाब में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा विधायक के सभी मांगों को मजाक में लेते हुए उल्टा 2012 से 2017 वाली सपा सरकार पर हमला बोल दिया है और योगी सरकार में सब रिकॉर्ड ऑल इज वेल बताते हुए कहा कि उनकी टीम एक्टिव है, सब ठीक चल रहा है। जिस तरीके से आबकारी विभाग ने प्रवर्तन की कार्रवाइयों को किया है, माफियाओं को बंद करने का काम किया है, और आज मैं ये कह सकता हूं सदन में खड़े होके कि 100% माफियाओं की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। आपने दो अनुपूरक प्रश्न किए, एक तो 21 वर्ष की आयु से जो आप कहते हैं कि जो नौजवान है अगर उनको शराब परोसी जाएगी तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। मैंने अपने पहले जो स्वामी जी ने प्रश्न किया था, मैंने उसमें जवाब में आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे अधिनियम में धारा 22 और धारा 23 में प्रावधानित है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और उसको 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 पेनल्टी भी लगेगी। दूसरा चीज, आपने सीसी फुटेज कैमरे की बात करी, तो हमारे हर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अगर हमें कहीं से भी
कोई शिकायत आती है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारी परिवर्तन की टीमें लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है उस कैमरे के, उस जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विभाग करता है। अभी तक ऐसी कोई घटना प्रदेश में नहीं हुई है। फिलहाल ये तो सियासत है, लेकिन सदन में मुद्दा गूंजने के बाद जनता सवाल कर रही है कि आखिर जब गुजरात और बिहार में शराब बंद हो सकती है तो एक संत की सरकार में शराब क्यों नहीं बंद हो रही है। अब देखना यह होगा कि सपा विधायक ने यह मामला सिर्फ एक स्पेशल बिल्डिंग के लिए सदन में उठाया या फिर वाकई वह शराबबंदी पर गंभीर है और उन्होंने समिट बिल्डिंग का उदाहरण देते हुए पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।